आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। आज बात करने वाली हूँ अपने हेल्थ के बारे में, आप लोगों के हेल्थ के बारे में, सबकी हेल्थ के बारे में। क्या है कि पिछले 2 दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, और एक बार मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया होगा कि मेरे को सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ था मॉर्निंग में। तो बहुत सारे लोगों ने ना ऐसे कमेंट करके सजेस्ट किया था कि मैम आप फुल बॉडी चेकअप करवा लो, आप चेकअप करवा लो। मुझे लगा कि चलो चेकअप करवा लेते हैं। फिर प्रॉब्लम ये आई ना कि चेकअप कहाँ करवाए, अब जा करके चेकअप करवाना, पूरे दिन का शेड्यूल होता है कि आप कहीं पे जा करके फिर किसी लैब में चेकअप करवा रहे हो। कि आप होम सर्विसेज ले सकते हो। एक्चुअली मैं वहाँ से यहाँ आके बैठ गई हूँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल हो रहा है। होम सर्विसेज ले सकते हो। होम सर्विसेज में भी ना आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन से लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, या फिर जो लोग आएंगे वो एक्सपीरियंस होंगे या भी नहीं होंगे। वो ऐसा ना हो कि कोई सीख रहा हो और उसे भेज दिया गया हो आप टेस्ट करने के लिए, ब्लड कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ना मेरे माइंड में चल रही थी, और वैसे भी मैं अपने हेल्थ को लेकर के कितना सीरियस रहती हूँ वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट ऐसा है। तो मैंने बहुत सोचने समझने के बाद मुझे मेडीबडी के बारे में पता चला। मेडीबडी पे आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि इनके एक एक एम्प्लॉय जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, इनके का पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से मैंने मेडीबडी सेलेक्ट करा। और तो और मेडीबडी में मैं एक और ख़ास बात उसमें देखी, वो ये थर्टी का जो एप्लीकेशन है ना वो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली कहे तो आप इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली उसे चला सकते हो। बहुत सारे जगह ना आपको इतने सारे मेडिकल नेम और ऐसा रहेगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा टेस्ट मुझे करवाना है, कहाँ करवाना है, तो कुछ समझ सा नहीं आएगा। बट ये भी बहुत ईजी है मेडीबडी के अंदर कि आप अपना यूजर फ्रेंडली उनका ऐप है, आप ईजिली उसे डाउनलोड कर सकते, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो इस वजह से मैंने मेडीबडी यूज करा है। और आप लोग भी अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप लोग भी अगर थोड़ा सा अनहेल्दी अगर फील करें तो अपना चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहोगे तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। तो इस वजह से आप लोगों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए आपको चेकअप तो ज़रूर ही करवाना चाहिए। जो चेकअप के लिए आ रहे हैं वो बस आने ही वाले होंगे, अभी तो चलते हैं, इसलिए मैं जल्दी जग गई हूँ, नहीं तो मैं इतनी जल्दी जगती नहीं हूँ। जल्दी जग गई हूँ क्योंकि वो अभी चेकअप करने के लिए आ रहे हैं। उनका कॉल आया था कि वो 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहे, तो मैंने बोला ठीक है अब उठ जाते हैं, ब्लॉग भी बना लेते हैं। मैं चाहती हूँ ना कि एक बार ना मेरा बॉडी पूरा टेस्ट हो जाए कि कुछ है तो नहीं, ऐसा लोगों के अंदर ना ऐसा लगा रहता है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, चेकअप नहीं करवाते। तो मैं चाहती हूँ एक बार मेरा चेकअप हो जाए पूरा, तो वो कौन से वाले पैकेज में आ पाएगा? ये आपका जो सेकंड पैकेज है, हाँ बेसिक हेल्थ सेंटर, हाँ जी, इसमें जो आपके टेस्ट है, हाँ आपको बेसिक जाँच की पूरी हो जाएगी। ओके, इसमें आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है, इसमें ठीक है, तो हम इस वाले टेस्ट के साथ चलते हैं क्योंकि इसमें सारे जब हो ही रहे हैं तो दूसरे का कोई है नहीं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आप निकालें। तो खून ही तो निकलेगा, डर नहीं ना क्या इसमें? कल ही तो कटवा के आई है तू हाथ। नहीं, ये तो ये
तो फाइनली हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और हमारे घर आ चुके हैं मेडीबॉडी से फ्लेबोटॉमिस्ट, जो कि अब हमारा टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं। लेट मी शो यू गाइस। कह रही पेन नहीं, वो बना लिया था। एक बार बस ये बता दो कितने बार निकालो। हमारा फाइनली ब्लड सैंपल जो है वो तो मैंने दे दिया है और उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। और क्या ही बताऊँ, इतना सारा खून निकाल लिया है। मेरी बेटी की एक और ख़ास बात है कि इसकी जो रिपोर्ट होती है ना, वो आपको 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स में मिल जाता है। वैसे अदरवाइज हर जगह 48 आवर्स तो लगते ही हैं, बट यहाँ पर ये है कि विदिन 24 आवर्स आपको रिपोर्ट कलेक्ट हो जाता है। तो ये भी सबसे खास बात है। आपने खुद ही देखा सर्विस कितनी अच्छी है, कैसे ये आए, सारी चीज़ें बहुत सैनिटाइज और बहुत प्रॉपर वे में इन्होंने करा। तो ये भी बहुत खास बात है जिसके लिए मेडीबॉडी क्यों चूज करा, सोच समझ के, फायदे देख के, कितने सारे फायदे। एक तो ना हर कोई अफोर्ड कर सकता है, रिजनेबल प्राइस पे आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी लोग तो ऐसे लैब के टेस्ट के नाम पे इतने सारे पैसे लेते हैं। थैंक गॉड मेडीबॉडी कुछ तो अच्छा कर रहा है।
सो फाइनली हमारा चेकअप कंप्लीट हो चुका है और वो जा चुके हैं। हेल्थ के बारे में सोच रही, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपके हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा सोचें। तो आप भी अपने हेल्थ के बारे में सोचें, थोड़ा मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट, जिससे आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एक कोड है जो कि है हेल्दी 40, आपको ऊपर आ रहा है। ये कोड यूज करके अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ग्रेट डिस्काउंट ले सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसी तरीके से ना आप चेकअप करवा सकते हो, ये तो आप देखे ही होंगे कि कितना इजी। इस वजह से मेडीबडी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे इनके ऐप यूज़ करना, ऑनलाइन अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करो वो भी इतनी इजी है, आप सोच नहीं सकते। कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है वहाँ से। सिंपल आपको उनकी वेबसाइट डाउनलोड करनी है, वहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाइक यू आर अ फीमेल मेड ये सब, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज क्या है, ये सारी आपको वहाँ डालना है। बाकी वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आपके पास ये आपको आपका टेस्ट लेने आ जाएंगे। आप अपना टाइम स्लॉट सारे बुक कर लो और बहुत ही इजी तरीके से आपका हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स में आपको आपका रिपोर्ट भी वहाँ ऑनलाइन डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके डॉक्टर को दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आप खुद ही कर सकते हो। जल्दी से मेडीबडी का ऐप डाउनलोड करो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, चेकअप करवाओ।